नमस्कार, मैं हूं जयश्री नाददा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। आज की ये खबर आपको सोचने पर जरूर मजबूर कर देगी और पुलिसिया लहजे पर सवालिया निशान खड़े कर देगी। अजमेर के ब्यावर शहर से भाग कर आया एक नाबालिग प्रेमी जोड़ा रात 10 बजे जोधपुर के पावटा स्थित रोडवेज बस स्टैंड पर उतरा। लड़का अहमदाबाद अपने रिश्तेदार के पास जाना चाहता था। एक रात का ठिकाना जोधपुर शहर में वो तलाश कर रहा था। घर से भाग कर आए थे, इसलिए कोई पहचान पत्र या आईडी नहीं थी। दोनों रोडवेज बस स्टैंड से बाहर निकले और आसपास होटलों और गेस्ट हाउस में अपना ठिकाना तलाशने लगे। बस स्टैंड के पीछे 300 मीटर की दूरी पर ही उन्हें कृष्णा गेस्ट हाउस नजर आ गया। यहां रात गुजारने के लिए केयरटेकर सुरेश जाट से कमरा किराए पर देने की मांग करने लगे। पुख्ता आईडी तो थी नहीं, सुरेश ने उन्हें कमरा भी नहीं दिया। इतना ही नहीं, उन्हें डांट डपट कर भगा भी दिया और आरोप तो ये भी है कि सुरेश ने लड़की से छेड़छाड़ तक कर डाली। वहां से हताश प्रेमी जोड़ा रात करीब 12 बजे सैटेलाइट हॉस्पिटल के बाहर बैठ गया। यहां पर बैठकर आगे के सफर को लेकर वे बात कर रहे थे। इधर जैसे तैसे रात बढ़ती जा रही थी। उन्हें इस बात की टेंशन हो रही थी कि यहां रात को रुकने का ठिकाना मिलेगा या नहीं। वे इसी उदेड़बून में थे कि तीन छात्र, जिनमें दो JNVU के स्टूडेंट थे और एक अजमेर से BEd कर रहा था, वहां पहुंच गए। बाड़मेर के उंडू का रहने वाला समंदर सिंह, भट्टम सिंह और ओसिया जोधपुर निवासी धर्मपाल सिंह की नजर इस प्रेमी जोड़े पर पड़ गई। तीनों ने उनसे जानकारी ली तो सारा वाकया समझते उनको देर नहीं लगी, उनकी नीयत बस यहीं खराब हो गई। उन्होंने प्रेमी जोड़े को मदद का भरोसा तो दिला दिया, दोनों को विश्वास में लेकर सारी जानकारी भी ले ली तो आरोपियों को पता चल गया कि दोनों घर से भाग कर आए। इसलिए पुलिस के पास तो जाएंगे नहीं और इसी का फायदा उन्होंने शायद उठा लिया। उन्होंने पावटा चौराहे पर नाबालिग जोड़े के साथ एक घंटा बिताया, प्रेमी युगल को पानी पिलाया, नाश्ता करवाया। तब तक रात के 1:30 बज चुके थे। बदमाश मन ही मन साजिश रच चुके थे। एक आरोपी ने नाबालिग लड़के को अपना नंबर दिया और फोन में सेव करने के लिए कह दिया। ये नंबर भी गलत था। उन्हें विश्वास में लेकर उनके रहने की व्यवस्था करने का भरोसा दिया और कहा कि मेन रोड से जाओगे तो पुलिस पकड़ लेगी, आगे पुलिस नाका है, कच्चे रास्ते से चलना होगा। रायकाबाग इलाके की मुख्य सड़क से नीचे उतरकर वे रेलवे पटरी के सहारे दोनों को यूनिवर्सिटी की टूटी दीवार से ओल्ड कैंपस के हॉकी मैदान में ले गए। नाबालिग जोड़ा नहीं जानता था कि वे किस रास्ते से कहां जा रहे हैं। रात के 2:30 बजने आए थे। आरोपियों ने ओल्ड कैंपस में दीवार के सहारे झाड़ियों में नाबालिग लड़के को दबोच लिया, उसके हाथ पकड़े और मुंह दबा दिया। इसके बाद लड़की से जबरदस्ती करने लगे। लड़की चिल्लाई तो उसकी पिटाई कर डाली। इसके बाद सुबह 5 बजे तक तीनों ने लड़की से गैंगरेप किया और सुबह करीब 5 बजे लोग मॉर्निंग वॉक करने पहुंचे तो पीड़िता और उसके साथी बदहवास हालत में मिले। उन्होंने पूछा तो लड़के ने सारी कहानी कह डाली। तीनों दरिंदे फरार हो चुके थे। लोगों ने 100 मीटर की दूरी पर उदय मंदिर चौकी पर सूचना दी। नाबालिग पीड़िता का फोन एयरप्लेन मोड पर था, जबकि लड़के ने लोकेशन ट्रेस होने के डर से फोन को स्विच ऑफ कर दिया, इसलिए वे इंटरनेट से भी चेक नहीं कर पाए कि अहमदाबाद के लिए ट्रेन या बस कहां से कितने बजे मिलेगी। एक आरोपी ने अपना नंबर सेव करवाया था, लेकिन एयरप्लेन मोड पर होने के कारण प्रेमी जोड़ा नंबर तक चेक नहीं कर पाया कि वो सही है। घटनास्थल परिसर के पास में रेलवे लाइन के किनारे यूनिवर्सिटी की दीवार में सुराख है। यूनिवर्सिटी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। दूसरी ओर रेल लाइन है। अराजक तत्व इसी रास्ते से कैंपस में घुसकर अवैध गतिविधियां भी कर लेते हैं। सुरक्षा दीवारों में सुराख होने के बावजूद भी यूनिवर्सिटी प्रशासन आंखें बंद करके बैठा है। फिलहाल यूनिवर्सिटी ने कार्रवाई के नाम पर आरोपी समंदर सिंह और धर्मपाल सिंह को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया है, उनका एडमिशन निरस्त कर दिया। उधर पुलिस 4 घंटे में आरोपियों को दबोचने का गुणगान कर रही है। यही त्वरित कार्यवाही अपराध होने से पहले अगर की जाती तो घटना शायद टल सकती थी। यह घटना रविवार की सुबह नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के ओल्ड कैंपस में हुई है। इस घटना से ठीक 12 घंटे पहले यानी शनिवार को ही DGP उमेश मिश्रा और मुख्य सचिव उषा शर्मा जोधपुर में थे और पुलिस और प्रशासन कानून व्यवस्था संभालने की लंबी चौड़ी हिदायतें वहां दी गई। यह बैठक शनिवार की शाम घटनास्थल से 500 मीटर दूर पुलिस लाइन स्थित सरदार पटेल पुलिस सभागार में हुई थी और बैठक के मात्र 12 घंटे बाद ही इतना बड़ा गैंगरेप हो जाता है। इस बैठक में राज्य से लेकर संभाग और जिले में लॉ एंड ऑर्डर संभालने वाले सारे वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। उच्च अधिकारियों के दौरे के दिन भी कानून व्यवस्था इतनी लचर रही कि जोधपुर में शनिवार रात 10 बजे से रात 2 बजे तक नाबालिग जोड़ा बस स्टैंड पर घूमता रहा, जिला हॉस्पिटल के पास सड़क पर घूमता रहा, गेस्ट हाउस तलाशता रहा, पावटा चौराहे पर बैठा रहा और यूनिवर्सिटी के कैंपस तक पहुंच गया। उन पर कृष्णा गेस्ट हाउस के कर्मचारी सुरेश की नजर पड़ी और सुरेश ने लड़की से छेड़छाड़ कर डाली। वहां से निकलकर पावटा चौराहा आए तो रायकाबाग में रहने वाले दरिंदे छात्रों की नजर उन पर पड़ गई, लेकिन पुलिस की किसी PCR, गश्ती दल, कांस्टेबल किसी की नजर लड़के लड़की पर नहीं पड़ी। जाहिर इससे यह होता है कि DGP की बैठक को पुलिस ने कितना गंभीरता से लिया है।